AWM दुनिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर, और गाइज फ्री फायर का सबसे बेस्ट और पावरफुल वेपन, क्योंकि गाइज इसका एक गोली 150 का डैमेज देता है, यानी कि गाइज इसका एक गोली से एनिमी का आधा से ज़्यादा HP लॉस हो जाता है, 75% तक एनिमी का HP लॉस होता है। अगर गाइज आप इसका एक गोली भी एनिमी को मारते हो ना, तो वो भाई दो कदम पीछे ले लेगा मेडिकेट भरने के लिए, क्योंकि भाई उसका आधा से ज़्यादा HP जा चुका है। अगर एनिमी ने वेस्ट नहीं पहन रखा है तो आप उसको एक गोली में डाउन कर सकते हो, 300 से भी ऊपर का डैमेज देता है अगर एनिमी वेस्ट नहीं पहना है। तो गाइज मैं आपको स्नाइपर के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा CS रैंक में। कल ही गाइज CS रैंक का सीजन चेंज हुआ है, सीजन 24 हुआ है। तो गाइज आप स्नाइपर चलाते हो और गाइज रैंक पुश करते हो, तो काफ़ी खतरनाक तरीके से रैंक पुश होगा, क्योंकि गाइज मैं आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। प्लस में गाइज अगर आपको स्नाइपर नहीं चलाने आता है तो उसके ऊपर मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बना के दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट स्लॉट में रखना है गाइज राफेल कैरेक्टर को। राफेल कैरेक्टर आपका स्नाइपर में ऑटो साइलेंसर इफेक्ट ऐड करता है, और गाइज दूसरी बात ये 85% फर्स्ट एलिमिनेट करता है एनिमीज को, अगर आप स्नाइपर से एनिमीज को डाउन करते हो तो। यानी कि जब भी आप स्नाइपर चलाओगे तब आप कहाँ से चला रहे हो वो आपका लोकेशन पता नहीं चलेगा। प्लस में गाइज आप जिस भी एनिमी को डाउन करोगे वो 3 से 4 सेकंड के अंदर मर जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका टीममेट उसको तुरंत रिवाइव भी नहीं दे पाएगा। तो ये गाइज बहुत ही हेल्प करेगा आपको ये कैरेक्टर। सेकंड स्लॉट में हमें रखना है गाइज मोगो कैरेक्टर को। आप स्नाइपर से जिस भी एनिमी को डैमेज दोगे ना, उसके ऊपर 5 सेकंड का मार्क आएगा अगर आपके पास नॉर्मल मोगो है। आपके पास लाइट मोको है तो गाइज आप उसके ऊपर 6.5 सेकंड का मार्क आएगा जब भी आप स्नाइपर से किसी एनिमी को डैमेज दोगे। तो गाइज मोको यहाँ पे हेल्प करेगा, आप जिस भी एनिमी को डैमेज दोगे ना उसका जो उसके ऊपर एक मार्क आएगा, और वो मार्क पूरे टीममेट के साथ शेयर होगा, पूरी स्क्वाड के साथ, जिसकी वजह से गाइज एनिमीज को आपके टीममेट भी मार पाएंगे और उसका लोकेशन देख पाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगा गाइज फाइट लेते टाइम। और गाइज जब भी आप स्नाइपर से किसी एनिमी को डैमेज दोगे तो गाइज उसके ऊपर मोको का साइन आएगा, और स्नाइपर का डैमेज 150 से प्लस का होता है। आपके टीममेट जरा सा भी हेल्प कर दें आपको तो वो एनिमी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज हम लोग लूना कैरेक्टर। लूना इसलिए गाइज ये रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड दोनों को इंक्रीज करता है। तो देखो जब भी आप स्नाइपर चलाओगे ना तो आपका रेट ऑफ फायर बढ़ा हुआ रहेगा 8%, और गाइज जब भी आप एनिमी को मारोगे ना तो उसके बाद आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो गाइज मूवमेंट स्पीड का जरूरत इसलिए है क्योंकि गाइज आप एनिमी को मार दिए हो, ठीक है, अब तुरंत रस करोगे तो वहाँ मूवमेंट स्पीड काम देगा, जिसके हेल्प से गाइज आप उसको तुरंत रस करके मार सकते हो। तो गाइज लूना कैरेक्टर आपका रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड दोनों बढ़ाएगा, जिसके हेल्प से गाइज आप स्नाइपर से आराम से बंदों को रस करके भी मार सकते हो, और आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा गाइस कि मैंने स्नाइपर से एस कैसे मारा। यहाँ पे देखो गाइस एक बंदा ग्लूअल लगा लेता है, यहाँ पे मैं उसका ग्लूअल तोड़ता हूँ, और गाइस वो दिमित्री लगा के रिवाइव हो रहा होता है। अब देखो स्नाइपर का एक बुलेट काफ़ी है, तो मैंने यहाँ पे एक बुलेट मारा, वो भाई खत्म हो गया। इसी तरीके से गाइज इसका दूसरा टीममेट को मैं यहाँ पे एक गोली मार के डाउन कर देता हूँ। गाइज एनिमी जरा सा भी डैमेज रहा ना, यानी कि उसका 50 HP भी डैमेज है, तो गाइज वो आप एक गोली मार के उसे पूरा फिनिश कर सकते हो, क्योंकि भाई स्नाइपर का डैमेज इतना तगड़ा होता है, खास करके AWM का। गाइज AWM का तो एक गोली भी कभी कभी काफ़ी होता है भाई, एक गोली में ही पूरा बंदा फिनिश हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से मैंने गाइज एस कर दिया। अब हम लोग मेन एक्टिव कैरेक्टर रखेंगे गाइज स्काइलर को। अब देखो होता ये है ना कि हम लोग स्नाइपर से डैमेज तो दे देते हैं, उसके ऊपर मार्क भी आ जाता है, बट गाइस बंदा ग्लूअल लगा के बच जाता है, कभी कभी तो नायरी भी यूज कर लेता है। अब देखो यहाँ पे मैंने डैमेज दिया, वो बंदा ग्लूअल लगा लिया। स्काइलर गाइस वॉल फोड़ने में काम आता है, तो गाइस यहाँ पे मैंने उसका वॉल फोड़ा, ये गाइस रिवाइव हो रहा होता है। अगर मेरे पास स्काइलर नहीं रहता तो गाइस अभी वो रिवाइव होकर निकल जाता। ऐसा बहुत बार होता है गाइस कि बंदे ग्लूअल लगा के बच जाते हैं। अब ये भी देखो ग्लूअल लगाती है, मैंने यहाँ पे इसका स्काइलर से ग्लूअल फोड़ दिया, और गाइस मोको की वजह से मेरे टीममेट ने उसे देख लिया और जाके उसे डाउन कर दिया। तो गाइस यहाँ पे देखो स्काइलर बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप सोचेंगे गाइस कि कोई नायरी कैरेक्टर भी रखा है ना, तो वहाँ पे भी स्काइलर काम आएगा। स्काइलर का 100 मीटर के अंदर जो वेव छोड़ता है ना, उसके अंदर जितने भी ग्लूअल आते हैं उसको वो ईजिली तोड़ सकता है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप स्नाइपर को बेस्ट चला सकते हो CS रैंक में, और आराम से रैंक पुश कर सकते हो। और टिप्स एंड ट्रिक्स देखना है स्नाइपर कैसे चलाते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब